बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान कुरैश, मैं फरीद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपका नाम? मोहम्मद यासीन अली। यहाँ पर आए हैं रमनसपुरा सलाट हाउस के साबिका में भी तीन चार मरतबे दूसरे इनके जो साथी हैं मुझे फ़ोन करे थे कि हाईटेक सिटी के पास एक एक्सपो लगने वाला है, एग्जीबिशन लगने वाला है, जिसके अंदर असरी तरीके से हथियार और मशीनरी जो हमारे पेशे के हिसाब से बताने के लिए और फ्यूचर में ऐसी मशीनरी आने के इम्कान है और दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसी मशीनरी चल रहे हैं जिसके अंदर बड़े जानवर, बकरा और पोल्ट्री और कई चीज़ों के जो है तो कटिंग वगैरह के मशीनरीज है, तो मशीनरीज की यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। तो इनका ये इशरार है कई दिनों से कि सारेखा में भी आके गए हैं कि आपके काम करने वाले जो मसलक के अंदर जितने भी एनिमल्स कटिंग करने वाले रहते हैं उन तमाम लोगों को, प्रोफेशनल्स को हमारे पास आप वहाँ पर भेजिए। हम उनको एक दो चार घंटे के लिए वहाँ पे तमाम मशीनरी से आगाह करेंगे और ये मशीनरी की उनको ट्रेनिंग भी देंगे। ये तमाम चीज़ें ये हाईटेक सिटी के पास एनडीएफ इंडिया वेंचर्स की जानिब से लगाए जा रहे हैं इस महीने की 21, 22, 23 तारीख को। तो इंशाल्लाह आज सुबह में मंसूर चौधरी के साथ मुलाकात हुई थी और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि इंशाल्लाह 21, 22 या 23 के दौरान कोई एक दिन मुकर्रर करते हुए ये यहाँ पर रमनसपुरा सलाट हाउस पर इनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखेंगे बस की, उसके ज़रिए आपको 2-3 घंटे के लिए जाना है। जो भी हजरात जाने वाले हैं आप उसके अंदर अपना नाम लिखा कर जो है सो थोड़ा इसकी जो है सो मुशाहिदा करें। उसके बाद मंसूर चौधरी आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान कुरैश, जैसा कि मैं भी अभी ग्रुप में एक फ़ोटो डाला हूँ, LFD इंडिया की जानिब से एक इवेंट हो रहा है, एक्सपो हो रहा है, जो लाइव स्टॉक डेयरी एंड फिशरीज का इवेंट है, जिसमें हमारे भी रिलेटेड लाइव स्टॉक का भी इसमें है और हमारे ये भाई साहब यासीन अली साहब हमारे को सुबह में मिलके हमारे रिलेटेड भी है और इसमें नए नए जो इनोवेशंस होते हैं मशीनरी के हो या फिर इसके रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के हो या फिर हमारे फिशरीज के रिलेटेड हो, तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि LFD इंडिया की जानिब से जो एक्सपो हो रहा है तो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद है, हमारे लोगों के लिए, पुलिसों के लिए एक मालूमात में इजाफा हो सकता और साथ ही साथ जो नए इक्विपमेंट आए उसके लिए हमारे को नॉलेज भी होती है और अगर हमारे को असली तरीके से हमारे को अपग्रेड करना है तो हम ये हमारे बिजनेस को भी अपग्रेड कर सकते हैं और हमारे शॉप को भी अपग्रेड करने के लिए जो हथियार लगते हैं उसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमें हमारे को एक्सपो में जो है शामिल होना चाहिए। 21, 22 और 23 के दिन ये है एक्सपो, इसमें से कोई एक दिन मुकर्रर करते हुए हम ये एक्सपो में शामिल हो तो बेहतर रहेगा और साथ ही साथ हमारे को इनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दी जा रही है। तो मैं हमारे तमाम बरादरी से और जमीतुल कुरैश के सदर से और जमात के अलाकी से गुजारिश करता हूँ कि एक्सपो में शामिल होने के लिए आप लोग भी प्रेशर इसमें कोशिश करते हुए लोगों को ले जाने की, ट्रांसपोर्ट तो फ्री है उसके साथ साथ हमारे कुछ एक्स्ट्रा का इंतजाम करते हुए कि लोग को ले जा के लाना चाहिए, इससे एक मालूमाती इजाफा होता है। देखिए ये इसमें 100+ एग्जीबिटर रहने वाले हैं वहाँ पे और सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी होगा और वहाँ पे कुछ सेमिनार एंड वर्कशॉप के बारे में है, लाइव मशीनरी डेमोज है और प्रोडक्ट जो लॉन्च होते थे उसके बारे में है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये लाइव स्टॉक के रिलेटेड हमारा काम है तो हमें भी चाहिए कि ये इसमें इवेंट में शामिल होना चाहिए। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग इसमें शामिल होइए और अगर जमात की जानिब से ये तय होता है तो रमनसपुरे के पास में इनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, जो भी दिन मुकर्रर होगा वहाँ उस दिन जो है तमाम लोग मिलके इवेंट में शामिल होंगे इंशाल्लाह।